वेलकम ऑल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नर्सरी क्लास का सिलेबस। देखिए, नर्सरी क्लास का बच्चा बहुत छोटा है तो वो ऑनलाइन नहीं समझ सकता, तो ये पेरेंट्स की हेल्प के लिए मैं सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ ताकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा सकें। डैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। तो मैं आपको ये 2 मंथ का सिलेबस बता रही हूँ, अप्रैल और मई मंथ का। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका बच्चा अभी नया है तो उसको हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं क्लास में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम उसको क्या बनाएंगे, कन्वर्सेशन यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस उसको बताएंगे जिसमें क्लास में वो जाके कन्वर्सेशन कर सके। तो सबसे पहले क्या सिखाना है उसको, ग्रीटिंग एंड मैनर्स। बच्चे को थोड़ा सा दूसरों को विश करना सिखाना है और थोड़ा मैनर्स सिखाने हैं। तो डेवलप गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स। बच्चे को गुड मैनर्स और एटिकेट्स देने के लिए उनको हमें क्या बताना है, विशिंग द टीचर गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। सुबह जब वो स्कूल जाएं तो टीचर को अपने गुड मॉर्निंग विश करें और छुट्टी के बाद टीचर को गुड आफ्टरनून विश करें। उसके बाद उनको बोलना है कि पेरेंट्स को भी वो सुबह, दोपहर और रात को विश करें। जैसे सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग विश करें, स्कूल से आते हैं तो गुड आफ्टरनून विश करें और रात को सोने से पहले गुड नाइट विश करें। फिर उनको ये भी बताना है कि जब उनको उनके क्लासमेट्स मिलते हैं तो उनको भी हेलो बोलना है या गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है। फिर हम उनको सिखाते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस परमिशन लेने के लिए, जैसे फॉर ड्रिंकिंग वाटर मे आई ड्रिंक वाटर, फॉर गोइंग टू टॉयलेट मे आई गो टू वॉशरूम, फिर टू एंटर इन द क्लास, जब उनको वापस क्लास में एंटर करना है तो मैम से परमिशन लेनी है मे आई कम इन, और किसी से कुछ आपको चाहिए या कुछ आपने किसी का लिया है या कुछ आपसे गलत हुआ है तो उनको हमें यूज बताने हैं प्लीज, थैंक यू और सॉरी के। इसके बाद हमें बच्चे को सिखानी है ईटिंग हैबिट्स, टू डेवलप प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, यूसेज ऑफ टेबल मैट नैपकिन स्पून एंड फॉक। हमें बच्चे को यूज करना सिखाना है कि टेबल मैट यूज करें, नैपकिन यूज करें, स्पून यूज करें और फॉक का यूज करें। नॉट टू स्प्लिट द फूड वाइल ईटिंग, हमें उसको ये भी सिखाना है कि खाना खाते हुए उसको इधर उधर खाना नहीं फैलाना है। ईट विद क्लोज माउथ, और हमेशा माउथ बंद करके खाना खाए। टेकिंग स्मॉल बाइट्स, छोटी छोटी बाइट्स खाए। अब हम करते हैं सिलेबस की बात। इंग्लिश में हमें 2 मंथ्स में क्या कराना है, हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, हमें सिर्फ उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम क्या कराएंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक्स थ्रो स्किल बुक। आपको छोटे छोटे स्टॉक्स उसको सिखाने हैं, कौन कौन से, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन और कर्व लाइन। 2 मंथ्स आपको यही उसको सिखाना है, वो उसको बिना डॉट के सिंगल डॉट पर लिखना आ जाए, ठीक है। पहले वो सिंगल डॉट पे करे और फिर उसको बिना डॉट के भी करे। ये चीज़ें हमने 2 मंथ में उसकी पक्की करनी है। फिर हमें उसको स्पीकिंग स्किल्स सिखानी है। तो स्पीकिंग स्किल्स सिखाने के लिए ज़्यादा बेटर होता है कि हम बच्चे को छोटे छोटे टॉपिक्स पे 4-5 लाइनें याद कराएं, जैसे माय मदर, माय फादर, माय फेवरेट टॉय, माय फेवरेट फूड, माय फेवरेट पेट, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक लेके हम उनको 4-5 लाइन्स उसमें लर्न कराते हैं। तो आपके ये 2 मंथ का टॉपिक है माय फेवरेट टॉय, तो इस पे आपको इसको 5 लाइन्स लर्न करानी है। आप 2 मंथ तक यही चलने देना है ताकि ये उसको अच्छे से लर्न हो जाए और याद भी रहे। उसके बाद आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स में शुरू में आपने उसको सिर्फ बेसिक शेप्स करानी है, आप उसको 1 वीक में 1 शेप कराएं। तो कौन कौन सी शेप्स करा सकते हैं, हम सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कराएं ताकि बच्चे को अच्छे से पहचान हो जाए। उसके साथ आप इनको कलर्स बताएं, कौन प्राइमरी कलर्स बता दें, रेड, येलो, ब्लू। तो आपकी 4 वीक्स की तो आपकी शेप हो गई और 3 आपके कलर्स हो गए, तो टोटल 7। अब आपके 2 मंथ्स में आपने 7 चीज़ें ये करानी है, मतलब आपके 1 वीक में 1 आप कराइए। उसके बाद आ जाता है ईवीएस। ईवीएस में आपने जनरल डिस्कशन करानी है, तो
वन मंथ में आप वन टॉपिक कराइए, तो गुड हैबिट्स और माय बॉडी, इस पे इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट, आपने समर सीजन पे बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना है, छोटी छोटी कोई भी आप एक्टिविटीज करा सकते हैं समर सीजन के रिलेटेड। और एक्टिविटीज में आप क्या करा सकते हैं, टीयरिंग एंड पेस्टिंग, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको टीयरिंग एंड पेस्टिंग, उसका इंटरेस्ट भी बनेगा काम में और उसको अच्छा भी लगेगा। तो उसको छोटे छोटे टॉपिक दीजिए जिसमें वो टीयर और पेस्ट कर सके, पेपर को टीयर करके, पेपर टीयर करके उसको पेस्ट कर सके। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको वही समर सीजन पे कुछ बनवाना है, ठीक है, कलरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विद वेरियस शेप्स लाइक आइसक्रीम एंड सन, आप उनको कलर दीजिए। और कलर किस में दीजिए, शेप्स में दीजिए, अलग अलग शेप्स के ऑब्जेक्ट, जैसे कौन शेप आ गया उसमें आप उसको, या ट्रायंगल शेप हम कह सकते हैं, ट्रायंगल शेप में आइसक्रीम बनती है, आइसक्रीम में कलर करें, ठीक है, राउंड शेप में हमारा सन बनता है, सन में कलर करें। इस तरह से आप बच्चे को शेप्स भी सिखा सकते हैं और उसको कलरिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक और डांस के लिए मैं आपको कुछ वो बताऊँगी, राइम्स। और डांस के लिए आप एक अच्छा सा सॉन्ग ले लीजिए, डांस के लिए आपका सॉन्ग हो जाएगा सूरज भैया, सूरज भैया, ठीक है। और राइम्स की प्रैक्टिस आप कराइए, और सबसे पहले बच्चों को राइम्स में हमने सिखानी है मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर में आप देखिए, ये प्रेयर है, ओ गॉड ब्लेस माय फादर एंड माय मदर, ब्लेस माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, ब्लेस माय टीचर एंड माय फ्रेंड्स, ब्लेस मी एंड मेक मी अ गुड चाइल्ड, एवरी जेंटल नेवर वाइल्ड। तो ये मॉर्निंग प्रेयर हो गई। प्रेयर बिफोर लंच, लंच के पहले बच्चे को क्या प्रेयर करनी है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड्स यू स्पीक, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब राइम्स की बारी आई, इंग्लिश में आपकी राइम होगी माई बॉडी के ऊपर, टू लिटल आईज टू लुक अराउंड, टू लिटल ईयर्स टू हियर एंड साउंड, वन लिटल नोज टू स्मेल व्हाट्स स्वीट, वन लिटल माउथ दैट लाइक टू ईट। और उसकी एक राइम हो जाएगी आफ्टर अ बाथ, आफ्टर अ बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स टू टॉस, टू वेट लेग्स एंड शाइनी नोज। फिर गुड मैनर्स में हम राइम सिखा सकते हैं, वी से थैंक यू, वी से प्लीज एंड एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज, दैट्स द वे लिटिल चिल्ड्रन बिहेव, पोलाइट एंड कर्टियस ऑल थ्रू द डे। उसके बाद हमारी आ जाती है एक राइम और है, हमारी आ जाती है हिंदी के कुछ राइम्स, रसीला आम, देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। अब आ गया सफाई अपनाओ, सफाई अपनाओ पे भी एक राइम है, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, इधर उधर मत उसे उछालें, सदा सफाई को अपनाएं, सुंदर अपना नगर बनाएं। फिर हमारी राइम आ जाएगी जून का महीने पे, महीना जून का देखो आया, गर्मी की छुट्टियां भी लाया, सब मिल घूमने जाएंगे, खूब मौज मनाएंगे, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर गर्मी को भगाएंगे। इसके बाद माई फैमिली के ऊपर राइम आ जाएगी, ही इज माई फादर नाइस एंड काइंड, शी इज माई मदर जेंटल माइंड, शी इज माई सिस्टर प्लेइंग विद द डॉल, ही इज माई ब्रदर स्टिल टू ग्रो टॉल, दिस इज माई फैमिली आई लव देम ऑल। उसके बाद हमारी लास्ट राइम है, टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल फीट गो टैप टैप टैप, वन लिटल हेड गो स्लाइड टू साइड, टू लिटल आईज आर ओपन वाइड। तो ये राइम्स आप बच्चे को, ये टू मंथ्स में आपने सारी राइम्स करवानी है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो मैंने आपको ईवीएस के लिए बताए थे। सबसे पहले है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स में आपको बच्चों को क्या सिखाना है, व्हाट डू यू से व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट, जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू। व्हाट डू यू से व्हेन यू आर टीचर, व्हेन यू कम टू स्कूल,
जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें टीचर को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। व्हाट डू यू से व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें सबको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। और फिर करना क्या है आप सुबह उठकर? सबसे पहले व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? जब आप सुबह उठते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? वी ब्रश अवर टीथ। व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग? जब आपको किसी से कोई चीज पूछनी है, मांगनी है, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज। अब उसके बाद आ जाता है माई बॉडी। माई बॉडी पे आपको ये क्वेश्चन कराने हैं, नेम फाइव बॉडी पार्ट्स। आप कोई फाइव बॉडी पार्ट्स बच्चों को इसी से लर्न करा सकते हैं, जैसे हेड, लेग, आर्म्स, आईज, नोज। विच बॉडी पार्ट इज यूज्ड फॉर हियरिंग? हियरिंग के लिए, सुनने के लिए कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं? ईयर्स। व्हाट हेल्प यू टू ब्रीथ एंड स्मेल? ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए और स्मेल करने के लिए आप किस बॉडी पार्ट का यूज करते हैं? नोज। व्हाट हेल्प यू टू सी? आपको देखने में क्या, कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है? आईज। व्हाट हेल्प यू टू टेस्ट? टेस्ट करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है? टंग। ठीक है, अब आ जाता है समर सीजन। समर सीजन पर कुछ क्वेश्चन हैं। विच आर द समर सीजन, समर मंथ, समर के मंथ कौन से हैं? अप्रैल, मई एंड जून। हाउ इज द वेदर ड्यूरिंग समर? समर में कैसा वेदर रहता है? हॉट एंड ड्राई। व्हाट डू यू वी ड्रिंक इन समर? हम समर में क्या क्या पीते हैं, कौन कौन सी ड्रिंक पीते हैं? कोल्ड वाटर, जूस, मिल्क शेक एंड कोल्ड ड्रिंक्स। विच क्लॉथ डू वी वेयर इन समर? समर में कौन से क्लॉथ पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ। विच फ्रूट वी ईट इन समर? समर में कौन कौन से फ्रूट खाते हैं, कौन कौन से फ्रूट हम खाते हैं? मैंगो, लीची एंड वाटरमेलन। तो इन फ्रूट के नेम आप लर्न करा सकते हैं और इन फ्रूट्स को आप लाइव बच्चे को दिखा सकते हैं। अब आ जाती है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये आपकी एक्टिविटी में है जो बच्चों को आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखानी है। उसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन सिखाने हैं? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? इन विच क्लास डू यू स्टडी? डू यू लाइक टू कम टू स्कूल? व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड? व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर? तो ये आपके क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको बच्चे को करवाने हैं। ये आपको मैंने 2 मंथ का सिलेबस बता दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग 2 मंथ बच्चे को पढ़ाइए। नेक्स्ट मंथ का सिलेबस मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।